मोदी योगी को हमने वोट दिया है तो वो बनवाएंगे नहीं, टैक्स नहीं ले रहे हमसे। बीएससी वाला, बीटेक वाला, बीए डिप्लोमा वाला, नॉन एआर में जॉब करें, किसी का अधिकार है तो तुम बताओ। सरकार का जितना ही पैसा, हवाई जहाज, प्लेन, सरकार ट्रेन ब्रेन, कहाँ जाता है पैसा बताओ? मोदी जी अपनी जेब से देते हैं क्या? कोई नहीं हटा सकता भाई मोदी जी को, ना आज ना कल ना कभी नहीं हटा सकता। यार कौन देगा? आईटीआई कर रहा कि 10,000 मिल रहा है, सरकार क्या सोच रही है? सरकार सोच रही है मोदी योगी को हमने वोट दिया है तो वो बनवाएंगे नहीं, टैक्स नहीं ले रहे हमसे। अरे तो दूसरी पार्टी में नितिन गडकरी जी सरकार टैक्स ले रही है ना, तो सरकारी तो बना रही है, तुम बना रहे हो, हम बना रहे हैं। सरकार टैक्स ले रही है ना तो सरकारी रोड बनाएगी, सरकारी सुविधा देगी, और हमारा हक लेना। तो किसी दूसरी पार्टी ने बिना टैक्स लिया बनाया? नहीं तो उसने भी बनाया, उसने भी टैक्स लिया, हम तो नहीं कह रहे। शिक्षा शिक्षा कहते हम। दूसरी जो पार्टी है हमने तो नहीं बोला कि वो हमसे टैक्स नहीं लेती, या हमने ये नहीं बोला दूसरी पार्टी ने काम नहीं करा। जिसने जितना काम किया, योगदान दिया, वो उतने दिन टिका। ये बताइए मोदी जी आ रहे हैं ना आ रहे कौन? वो तो भैया बाद में इलेक्शन में पता चलेगा आ रहे या नहीं आ रहे। वो आए ना आए हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो नॉर्मल जनता हमने आवाज रख रहे हैं बस खाली। देखो कोई आए कोई नहीं आए, जो हमारे आएंगे नहीं आएंगे वो टाइम बताएगा भाई, वो इस देश की जनता डिसाइड करेगी, वोटिंग डिसाइड करेगी, ठीक है कि आएंगे या नहीं आएंगे, वो मैं और तुम डिसाइड नहीं कर सकते। देखो 4 साल हो गए भैया ने जो बात बोली रियल बोली, अच्छी बोली, जो 4 साल हो गए मोदी जी, अब उसकी आग चिंता करेगी कि अच्छा काम कौन कर रहा है कौन गलत कर रहा है। अब देखो हम तो नहीं बोलते इस बात को कि हम पार्टी का बेइज्जती कर रहे हैं, मतलब बेइज्जती कर रहे हैं। अब इस बात को तो जनता को देखो कि जनता क्या करेगी, जनता के लिए क्या किया है क्या नहीं किया, वो जनता के हिसाब से बात होगी। मगर ये जो चीज है ना वो गलत है। ये जो भैया से भी पूछ रहे थे, क्या लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं इस बार? मोदी तो मेरे ख्याल से अब आ रहे कि नहीं आ रहे वो तो जनता डिसाइड करेगी, जनता डिसाइड करेगी वो। आप क्या बोला भैया? कोई और शक्ल है भी कहा? हाँ ये सही बोला। देखिए क्या बोला, कोई और शक्ल है ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, राम कोई ऑप्शन नहीं है मोदी जी के अलावा। एक मिनट भैया के मुंह पे माइक लगाओ। राम मंदिर के अलावा मतलब ये ऑप्शन के अलावा ऐसे नहीं होता, जैसे कि आप राम भक्त जय श्री राम बोलता हूँ, मानो तो इस फोन में भगवान है, मानो तो पत्थर भगवान है, गरीबी में क्या रोजगार मिटाई, लाओ लगाओ। मंदिर बना है तो भिखारी होंगे, मंदिर बना है तो भिखारी होंगे, मंदिर पे कोई भिखारी हो जाएंगे क्या? मंदिर आते ही है वहाँ बैठते ही है, आजकल मंदिर हर जगह है, स्कूल हर जगह है, मंदिर हर जगह है, स्कूल हर जगह है, स्कूल हर जगह है, मंदिर हर जगह है, जहाँ मंदिर है वहाँ गरीब बंदा है। मोदी जी क्यों आएंगे? कोई शक्ल ही नहीं है, कोई शक्ल ही नहीं है मोदी जी, इसलिए आ रहा है, कोई चेहरा ही नहीं है। तो मोदी इनको बोलो ये ब्रह्मा जी भविष्य देखते, हमारा भविष्य देख ले, अभी देखो हमारा तो किसी ने नहीं देखा भाई। हम बैठ सब अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, तुम्हारे लिए हमारे लिए अच्छा हो बस। मैं काम कर रहा हूँ, हम खुद कितने अच्छे हैं, मेरी बात सुनो, मैं हिंदू, मैं मंदिर में जाता हूँ, घंटा बजाता हूँ, बोलता हूँ हे भगवान से 1 करोड़ रुपया दे दो, मुझे दे देंगे क्या? खुद कितने अच्छे हो, मेहनत तो करनी, आप खुद कितने अच्छे हो, मैं तो ये बताओ आप पब्लिक कितनी अच्छी है भाई। जनता के लिए मोदी जी आएंगे, अच्छा कर रहे हैं तो जनता के लिए, इनके लिए मोदी जी आएंगे, हमारे लिए मोदी जी नहीं आएंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं आपके, इनके लिए जो उनकी अपनी वो है हमारी अपनी, इनकी बात सुन ले भैया, मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे भैया तुम बताओ भाई, देश का युवा, देश का युवा बताइए, ये तो बोल रहे आ रहे हैं, बताओ बोलने वाला हूँ, मैं बोल रहा है भैया क्या बताओ, आने वाला, आने वाला जो फ्यूचर मोदी जी ने अब तक जो अच्छा किया बुरा किया आज तक खराब किया सारा चीज, जो राम मंदिर बनवा दिया, जनता मान तो 25% उनका हो गया कि राम मंदिर बनवा दिया, अच्छा काम हो गया। अगर मोदी जी आज के बाद या कल के बाद या 2 साल के बाद मानते फिर आए, दोबारा आ जाए, हम ये नहीं बोलते हमारे देश के आदमी हमारे देश में ही रहे, छोटी सी बात। दूसरे नंबर की बात ये है कि अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा वोट लेंगे, नहीं करेंगे तो वही तो बताइए ना, कौन चेहरा है मोदी जी के अलावा? वो कोई चेहरा नहीं रहा, कोई बिना चेहरे के बोलेंगे? गरीब आदमी नौकरी कर रहा है, बीएससी वाला, बीटेक, एक मिनट, बीएससी वाला, बीटेक वाला, बीए डिप्लोमा वाला, नॉन एआर में जॉब करें, किसी का अधिकार है तो तुम बताओ भैया बताओ। तुम पढ़े लिखे हो, तुम सारे पढ़े लिखे लोगों, यहाँ पे किसी को 10,000-200 सैलरी ज्यादा मिलती है? जिसके अंदर टैलेंट है, जिसने पढ़ाई करी है, उसकी सैलरी अच्छी खासी है नोएडा के अंदर, उन्हें तुम आप कंपनियों में जाओ 10,000 सैलरी मिलती है, 4,000 किराया, 4,000 खाने का, आदमी पे ये नहीं बचता, तबियत खराब हो जाए दवा के लिए पैसे नहीं होते, बोलते क्यों नहीं हो? ये बोलते थे मोदी जी आएंगे, मोदी जी के बाप की सड़क है, मोदी जी जीएसटी लेते, जीएसटी तुम खाते हो, ये सब जनता का है, सरकार खाती है जीएसटी, सरकार का जितना ही पैसा, हवाई जहाज, प्लेन, सरकार ट्रेन ब्रेन, कहाँ जाता है पैसा बताओ? मोदी जी अपनी जेब से देते हैं क्या? नहीं, तो बोलने में कौन जेब से देगा? जेब से कौन देगा? जेब से कोई नहीं देता। मुझे बोलते मोदी जी ने तो एक कल आया, बोलता मोदी जी की सड़क है, मोदी जी का पैसा है,
तो बेंचो मोदी जी की जाके गुलामी करो, उनके पास रहो, तो मोदी से बोल दो कि भैया एक काम करो, ये सारा सबको एक दो दो को गोल्ड दे दो और सारे को पैसे दो एक दो दो 3 करोड़ रुपए, सबका भला हो जाएगा। जीएसटी लेते हैं जनता से, लेते हैं जनता से जीएसटी लेते हैं, तो क्या आप काम नहीं करते हैं? आपके अकाउंट में आता होगा जीएसटी का पैसा? करते हैं आपके अकाउंट में आता है क्या? आप कोरोना में, अरे थोड़ी शर्म कर लो, अरे कोरोना में हमारे अकाउंट में जाएगा तभी होगा अकाउंट में जाने के लिए। कोरोना में आप कहा थे? दूसरे देश से ऑक्सीजन मंगा जा रहा है, दूसरे देश से ऑक्सीजन, जहाँ जो व्यवस्था था वहाँ एक मिनट भैया सारे चीज किया वो, समझ गए ना? आपने देखा छोटे छोटे क्या क्या किया, इनको बता दो, इनको बताओ क्या क्या किया, क्या छोटे छोटे, अरे सुनो भैया इधर इधर, छोटे छोटे बच्चों की डेड बॉडी उस बैग पे खींच खींच गई। आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? कोरोना में कौन सी बीमारी? कहाँ थे आप? कहाँ पे थे आप बताओ? आप बताओ, जो लॉकडाउन लगा था, जीएसटी लगी थी, सारे काम हो गए, जो छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई थी वो बेंचो सेंटर बैग पे अपनी बच्चों की डेड बॉडी लेके जा रहे, 200 किलोमीटर पैदल चल रहे, कहाँ की राजनीति? बताओ आप बताओ, 40-40 आदमी देश के अंदर मारे जा रहे। अरे एक मिनट आ जाओ ना, आओ यहाँ पे आओ ना, 40-40 आदमी अंदर घुस के मारे जा रहे, कहाँ थे आप? दो दो ऑक्सीजन ये बोल रहे, 3 दिसंबर को रिजल्ट आया उससे दिख गया। इनकी शक्ल तो दिखाऊ ना, फेस तो दिखाओ, यहाँ पे लाके आओ, लाओ इधर आओ ना, यहाँ के आगे बात करो, गरीबी मिटाते हो तुम, जैसे भड़ुए रहेंगे देश बिक जाएगा, मैं रियल बता रहा हूँ। मोदी जी के काम आपको अच्छे नहीं लगते? मोदी जी गाएंगे जाएंगे जाएंगे, लिख लो इस बात को, राम मंदिर बनने से मोदी जी बच गए। 400 पार का आंकड़ा है, 400 पार आएंगे, 400 वो जाएंगे, ये क्या बोला? अरे मोदी जी जाएंगे इस बार, ठीक है, अच्छा काम लेकर जाएंगे, अच्छा इस बार कोई नहीं हटा सकता भाई मोदी जी को, ना आज ना कल ना कभी नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता, तो मोदी जी के साथ है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या तुम बोल रहे हो? तुम नहीं हटेंगे, तुम ब्रह्मांड हो क्या? मैं नहीं बोलता, मैं फिर तुम बोल रहे हो मोदी जी आएंगे, हाँ तो आएंगे वो, कल का पता तुम्हारे साथ, कल आज भी बोल रहे कि आएंगे, कल का भी पता है और आज का भी पता है, अरे वो मुझे दिख रहा है कैसे सब तरह से, आधा तो बिक गया आधा और दिखवा देंगे तुम जैसे लोग, जैसे लोग नहीं तुम जैसे लोग भाई, भाई। क्या तुम बहुत बचे हो, कुछ अच्छा कर तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है बताओ, क्या अच्छा तुम्हारे, क्या तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है? तुम्हारे ला, लो, रो, रोजगारी कितनी मिटाई, क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया बताओ, खाने को नहीं मिल रहा क्या तुम्हें? खाने को नहीं मिल रहा तो खाता हूँ, उस खाने की बात कर रहे हैं, अरे भैया ये उस खाने की बात कर रहे हैं जो 5 करोड़ मुस्लिमों में राशन मिलता है, ये उस खाने की बात कर रहे हैं भैया, आपको नहीं मिलता क्या? नहीं भाई साहब, 5 करोड़ राशन अगर अगर वो मोदी जी को दिया जाएगा ना, अब मैं अपनी सैलरी दूंगा, अगर 1 महीना काट के दिखा देना मैं बार बस गुलामी करूंगा, मेरा बाप सैलरी भी दे रहे हैं और मोदी जी का राशन मोदी जी को वापस भी दे रहे हैं, रोजगारी भाई सही मिल रही है, क्या रोजगारी सही मिल रही है, कौन सी कौन भूखे तो नहीं मर रहे हैं, रोजगारी मिल रही है भाई साहब, पढ़ा लिखा बंदा है, थोड़े ही मर रहे हैं, कोई भूखे थोड़ी मर रहे हैं, दूसरी सरकार आएगी मुझे बैठा खिलाएगी, कैसे सरकार उसने पता क्या करा है, पढ़ा लिखा और अंगूठा छाप कर दिया, वो जो अंगूठा तुम जैसे अंगूठा छाप, 4 साल की नौकरी कर दी आप, ऐसे अम्बे की उंगली दिखा रहे हो, 4 साल की नौकरी कर दी, ठीक है जो गवर्नमेंट में थे उनकी 10,000 सैलरी कर दी, आपके घर में कोई, आपके घर में कोई होता तो आपको पता लगता भाई, गवर्नमेंट है भैया, लेखपाल है हमारे, 30,000 सैलरी है, कितनी सैलरी मिलती है, पहले कितनी थी? पहले 32 थी, पहले 32 थी, अब 2,000 कैसे कम होगी? क्यों जॉब नहीं जाते हैं भाई, वो रेगुलर इसलिए कम होगी, गवर्नमेंट में ये नहीं होता कि जॉब जाएंगे सैलरी कम जाएगी, सैलरी कटती है, सैलरी हर जगह कटती है, ये नहीं होता, जॉब नहीं जाओगे तुम्हारी भी सैलरी कटेगी, ये नहीं होता, 4 छुट्टी मारने पर भी सैलरी नहीं कटती। आज मोदी जी नहीं आएंगे, अब के नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? बोला नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? बेरोजगारी बिल्कुल खत्म है, 10,000 में नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगारी खत्म हो गई, नहीं 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 मैं गलत बोल गया, मैं गलत बोल, बेरोजगारी बहुत है, 10,000 मिल रहा है कंपनी में, रोजगार कौन देगा? आईटीआई कर रहा है कि 10,000 मिल रहा है, सरकार क्या सोच रही है? सरकार सोच रही है, आप भैया बताओ, नहीं आएंगे, वही तो पूछ रहे हैं कीमत पे, नहीं तुमसे क्या ले लिया मोदी सरकार ने, कर दिया मेहनताना भी बड़ा है, तुम्हारा सबूत है क्या? बिल्कुल सबूत है, क्या सबूत है दिखाओ, दिखाओ जो भर्ती जो निकाली है यूपीएस की, क्यों निकाली है, क्यों नहीं है यार रोजगार से, कौन सी भर्ती निकली हो, कौन सी आदमी पास हो बता दो, इलेक्शन आ गया, इलेक्शन इलेक्शन आ गया, इलेक्शन आ गया, इलेक्शन, अब तो तुम दगाबाजी करोगे ना, उंगली करोगे ना, अब तो 4 साल से कौन सी भर्ती निकल गई, बात सुनो, जब ये मेहनत नहीं करेंगे तो होगा क्या, मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा, 4 साल से भैया को पूछो, 4 साल से भैया ने कौन सी भर्ती निकलवा दी और कौन से कर दिए, 4 फॉर्म पड़े मेरे,
बताओ जो बच्चा मेहनती होगा ना वही लगेगा। अरे भाई जो बच्चा मेहनती होगा वही लगेगा। अरे इनका कहने का मतलब नहीं है, और दिन से कोई मतलब नहीं है, हमें चार साल से कोई मतलब नहीं है, हमें एक महीने से मतलब एक महीने नौकरी निकाल दी तो भैया कह रहे हैं हमें चार साल फालतू है, बिल्कुल बेकार है, ये बस एक साल इनके लिए बढ़िया है, चार साल बेकार है। आर्मी की भर्ती निकली जो निकली जो चार साल वाली भर्ती निकली आर्मी की, बंदे भर्ती हुए हैं उसमें क्यों नहीं करी भर्ती, उसमें मेहनत क्यों बंदे ने क्यों नहीं करी भाई साहब, उसने इसीलिए नहीं करी भाई साहब, सुनो 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 मैं बता रहा हूँ, अरे मेरी सुनो, इसीलिए मेहनत नहीं करी भाई साहब, चार साल के बाद अपनी अत्याची उम्र आएगा क्या, क्या खिलाएगा अपने बच्चों को, नहीं करेगा मेहनत करेगा क्या की मेहनत, ये बताओ जब 20 साल बंदा मेहनत करेगा, सुनो सुनो बंदा 20 साल मेहनत कहाँ का राशन खा रहे हो, कहाँ का खा रहे राशन भाई साहब, अपनी मेहनत मजदूरी खा रहे हैं, मजदूरी का राशन, यू भी तो मजदूरी यू दे रहा है मोदी, तो यू कौन कौन दे रहा मजदूरी, भाई साहब भाई साहब मजदूरी दे रहा है, इनका कहना सही मजदूरी दे रहा है भाई साहब, बीटेक कर रहे हूँ, आईटीआई कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ, भैया 10,000 में अपनी अत्याची मरा रहा हूँ, क्यों मना रहे हो भैया, मेहनत करो और आगे नौकरी जाएगी, कहाँ पढ़े बताओ कहाँ पढ़े, राशन लेने की पंजा, जो राशन बट रहा है जो राशन बट रहा है पब्लिक पागल है, हमारे जा रही है भाई साहब, भाई साहब यही सुनने की बात थी, इन्हें का कहने को तरीके 5 किलो राशन मिल रहा भाई साहब, इनका पेट भर रहा है, इन्हें और किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारा पेट, मेरी बात सुनो, गरीब आदमी अगर पेट भर रहा है, गरीब आदमी का पेट भर रहा है, मेरी बात, गरीब तो कुत्ता भी है, कुत्ता भी तो खा रहे हैं, वो काम करने क्यों नहीं आ रहे, अरे भाई साहब भाई साहब ये लोग मेहनत करना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते आप लोग, बेचारा मजदूर आदमी है 500 रुपए कमाता भी नहीं करता, उसका भी तो पेट पल्ला है, जो मजदूर आदमी है उसका भी तो पेट पल्ला है, भाई मेहनत करो कमाओ खाओ, यू तोड़ी है तुम किसी की वो करो भाई बुराई, मोदी ऐसा मुंह ऐसा फलाना ऐसा, फालतू की बुराई ना करो, फालतू बुराई अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, लेकिन वो अपने बच्चों का ख्याल रखेगा, मोदी की बुराई, मोदी की बुराई करोगे तो जेल में जाओगे, जेल जाएगा भाई साहब, डलवा जेल में कोई है, करो तुम बुराई कोई है, करो भाई साहब मोदी नहीं आएगा, इसने ऐसा ऐसा काम करेगा, कुछ पूछो मत, आज की महिला रोटी पकाती है घर में, बताओ क्यों नहीं आएगा मोदी, आराम से बात कर भाई, आराम से जो घर की महिला खाने में घर में खाना पकाती थी, आज अपना पेट पालने के लिए बच्चे पढ़ाने के लिए रोडों पे घूम रही हैं, ये कहते हैं हमारी बहन बेटी और सुरक्षा है, कहाँ कमी है बच्चे की, नो कमी है, ये माँ बाप कहते हैं पढ़ो, बच्चे पढ़ नहीं पाते, अच्छा नहीं पाते बच्चे पढ़, उसकी वजह क्या, क्यों नहीं पढ़ पाते बच्चे, नू नहीं पाते भाई, देखो कोई माँ बाप बच्चे को कोई शिक्षा गलत नहीं देता, सब सही देते हैं, जब वो अपने रास्ते पे गलत उतर जाता है ना बच्चा, गलत उतर जाता है, उसकी कमी है बच्चे की, बच्चे की कमी, बच्चे की कमी नहीं है, उनके माँ बाप की कमी है भाई साहब, महंगाई इतनी हो रखी है भाई साहब, अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं, और पहले की फीस थी 200 रुपए, आई हो गई 400 रुपए, मेहनत कितनी थी 300, अब कितनी हो गई 350, अब बताओ 350 रुपए बढ़ गई है, लेकिन वहाँ 200 रुपए बढ़ गए, ये किसी को दिखाई नहीं देंगे, ये चीज दिखाई नहीं देंगे, बताओ भैया को दिखाई नहीं देंगे, वो बोल रहे क्यों ना देगा दिखाई, भाई साहब कहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो जो ऐसे 4 साल पहले तुम यार ड्यूटी करके आ रहे हो ना, आ रहे हो ना कुछ से कमा कर आ रहे हो, कुछ से खा कमा रहे हो क्या, ड्यूटी करके ही तो आ रहे हो, क्या हुआ ड्यूटी करके आ रहे हो ना, खा कमा तो खा कमा रहे हो, सैलरी भाई 10,000 बाहर से मिल रही है, हैं कमा रहे हैं, अरे भैया बेनिफिट भी तो आपको ही मिल रहा है, सब्सिडी आ रही है यार, हमारी खुद आ रही है, सेंडर भी सेंडर होगा, सब्सिडी आ रही है हमारे, अभी अभी सब्सिडी भी आ रही है, सब्सिडी आ रही है, वाह भाई यार, मेरा तो इनका यही कहना है, ये भाई साहब जनता को यही जागरूक करना है, इन्हें जब 1200 रुपए का सिलेंडर बिक रहा था, जब इन्हें नहीं दिखाई दे रहा था, आज 200 रुपए सब्सिडी आ रही है, जो 400 का सिलेंडर 900 रुपए मिल रहा है, इन्हें बहुत सब्सिडी दिखाई दे रही है सर, 200 रुपए में सब्सिडी आ रही है, पढ़े लिखे हो कितने पढ़े लिखे हो भाई साहब, मैंने इंटर कर रखी है, इंटर तुम इंटर जैसी बात नहीं कर रहे, अच्छा हाँ बारहवीं जैसी बात नहीं कर रहे, बारहवीं की अगर बात तो अच्छी बात कर रहे इंटर जैसी बात कर रहे, मैं पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूँ, अगर वो अगर करते ना। भाई साहब शिक्षा तो भाई साहब उसने बिल्कुल बेच दी है, शिक्षा तो किसने बेच दी, किसने बेच दी, मोदी ने शिक्षा बेच दी भाई, बोल ले नहीं बेची यार, शिक्षा नहीं बेची है, तो शिक्षा पे टैक्स क्यों लगाया, टैक्स क्यों लगाया बताओ, शिक्षा बेच दी था, यू पुलिस की बड़ी थोड़ी होती।